जबरदस्त भीड़ हो रखी है यहाँ पे। लाइन देखो कितनी लंबी है, ओह माय गॉड। तो फनी बात ये है क्योंकि बीवी बोल रही है नहा लीजिए जाके। देखो भाई सिस्टम बैठ गया तगड़ा, आप देखो कैसे निकालते हैं लोग। हाईवे कीरतपुर साहब वाला तो बहुत बढ़िया बना दिया भाई, बहुत मस्त है, मतलब एकदम अल्टीमेट बना दिया है, मजा आया मतलब उसमें ना चल के। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू माय चैनल द वॉन्डरिंग योद्धा। और अपन आज आ गए हैं मनाली में, जैसे रात को पहुंच गए थे कल, काजा से सफ़र किया मनाली तक का और ऑफ रोडिंग के बारे में सब कुछ बताया था। तो हम एक प्रॉपर्टी पे रुक गए थे, पानी का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी आपको यहाँ पे क्योंकि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ही पानी के पास में है, यहाँ से नदी बह रही है। सो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, चेक दिस आउट। ये देखो यहाँ से पूरी ये नदी बह रही है और सामने घना जंगल। तो हम लोग रुके हुए हैं ओल्ड मनाली में, तो ये चीज़ आपको ओल्ड मनाली में देखने को मिलेगी अगर आप मनाली में रुकोगे। वहाँ से नहीं बहती है ना, ऊपर जाना पड़ता है। तो जहाँ से हडिम्बा टेम्पल को जाते हैं उससे राइट हैंड साइड को जो जाती है रास्ता, वहाँ पे हम लोग उधर की रास्ते पे ओल्ड मनाली में आके रुके हुए हैं, है ना। तो आपका नहाएंगे धोएंगे, आज हम वापस जा रहे हैं भाई, बहुत दिन हो गए बाहर घर से, तो आज हम लोग वापस निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए, घर के लिए। और क्या बोलते हैं, जो नया रूट ओपन हुआ है आपका कीरतपुर साहिब वाला, जो टनल्स ओपन करी हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में कैसा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा ना। तो मनाली से निकलेंगे हम लोग निकलेंगे थोड़ा सा मनाली की मॉल रोड घूम के दोपहर में, है ना। भाई अब आओगे तैयार एंड लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं नीचे, थोड़ा समय के सामान भी रखा है और सामान रख के हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे और आज घर वापस जाएंगे और आपको मनाली से चंडीगढ़ का रास्ता दिखाएंगे। तो भाई अब आगे कल वाले जो यहाँ पे रात में हमने डिनर किया था हमारे होटल के जस्ट सामने ही है, अच्छा बना हुआ है ना, कल रात में नहीं इतना बढ़िया दिख रहा होगा। तो यहाँ हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया, पूरी चने और एक ही प्लेट खाएँगे ना क्योंकि दोपहर में खाना है, हल्का कर रहे हैं ब्रेकफास्ट आज, दिन में खाएँगे बढ़िया कुछ डिफरेंट, बहुत दिन हो गए है ना। और खा के फिर निकलेंगे यहाँ से, सोच रहे हैं पहले वो हडिम्बा टेम्पल के ऊपर वाला जो वो है ना जंगल वाली वॉक है वहाँ चल लेते हैं और उसके बाद फिर मॉल रोड घूम के घर। लो जी अपनी पूरी चने आ गई और बहुत ही यम्मी लग रहे हैं ये, तो इसका तो टेस्ट ही बहुत बढ़ेगा। ये मैडम ने डाली अपनी प्लेट में और एक प्लेट में ही हम दोनों का काम हो जाएगा आज। तो भाई ब्लू एलिफेंट कैफ़े में हम लोग नाश्ता करके जा रहे हैं ऊपर और वहाँ से हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। और ये कुछ व्यू है यहाँ का, मैं एक एक्टिविटी करने वाला हूँ यहाँ पे, मज़ा तो आएगा। ये देखो ये पानी में उछलवाएंगे मेरे को, तो देखते हैं करके भाई क्या सिस्टम। तो भाई अपने पिला रहे हैं भाई, तो नीचे लेके जाएंगे तो देखो क्या सिस्टम बनता है, मजबूत है ना। ऐसा होता है वहाँ से वापिस आना है, अच्छा उसको दो हाथ से पकड़ना, तो आप एक हाथ से पकड़ लेना। नहीं मैं दो हाथ से अभी भी दो हाथ से पकड़ूँ, अभी भी दो हाथ से पकड़ना पड़ेगा। ठीक जी, ये एडवेंचर भी हो गया, ये देखो पर ज़्यादा देर किया नहीं यार, वो हार्नेस चुभ रही थी इनकी ना, बस कर लिया थोड़े टाइम। तो पर पर्सन 150 रुपये है यहाँ पे ना, तो सही है मतलब एक एडवेंचर एक्टिविटी होगी। तो भाई रिवर जंपिंग वाला आप पानी कर लिया, मस्त था भाई, मज़ा तो बहुत आया, टाइम एक्सपीरियंस। और ज़्यादा पैसे भी नहीं है भाई, 150 रुपये है ना,
तो आप कितनी भी देर कर सकते हो, मेरे तो हार्नेस चुभ रही थी नीचे इसलिए मैंने ज़्यादा देर तक किया नहीं, लेकिन मतलब हाँ गुड एक्सपीरियंस है भाई। चलो अपन चलते हैं अभी घूमने कहीं पे, फिर निकलना भी है यहाँ से ना। चलो लेट्स गो। अपन ने कर दी यहाँ पे पार्किंग, बहुत भले मानुस आदमी मिल गए, उन्होंने पार्किंग करवा दी छाँव में, और ट्विटी पोको को भी रख लिया अपने प्राइवेट रूम में, और हम अब आराम से घूम रहे हैं। तो हमने आज ये डिसाइड किया कि हम लोग ना ट्विटी पोको को भी घुमाया करेंगे, वो बैग खरीदते हैं है ना, जिसमें से वो भी घूम पाए हमारे साथ ना। सो चेक दिस आउट, यहाँ पे हडिम्बा टेम्पल की तरफ जा रहे हैं हम, याक से इतने जा रहे हैं। तो इधर होके चल, एक बॉल से 1000। तो भाई ये देख रहे हो स्कैम चल रहे हैं, एक बॉल में सारे गिरा दिए तो 1000 रुपये, और पता नहीं भाई वन शॉट 50 रुपये का मिलता है। सही है भाई, सर्दी में आए थे तो कुछ भी नहीं था, गर्मी में आए तो देख लो भीड़। देख लो भीड़ बहुत गजब की, लोग छूट गए हैं भाई ऐसे, बहुत भीड़ हो रही है। जय माता दी, भीड़ देखो भाई कितनी सारी है। और भाई ज़बरदस्त भीड़ हो रखी है यहाँ पे, लाइन देखो कितनी लंबी है, ओ माय गॉड। वन बिहार यहाँ पे एंट्री टिकट है कुछ 10 रुपये पर पर्सन, और बच्चों की 5 रुपये। लैम को देखे जा रही, इसका नाम है सुंदरी, ये सिर्फ 20 डेज़ की है, बहुत सुंदर है भाई, टच किया हमने, अब और आने दी थी आंटी के पास, आंटी गोदी में उठा के लेके जा रहे हैं उसको। देख रहे हो जी ऐसे फोटो खिंचाती है, पोज मारती है पूरे ऐसे मारती है पोज, और इधर ही मेरे को ऐसे बिठा रखा भाई फोटो खिंचाने के लिए, मैं तो फोटोग्राफर ही बना रहता हूँ इसका। पीछे ना कपल जा रहा था, तो उसका हस्बैंड पढ़ रहा था कि तालाब में जाना मना है, पवित्र स्थल है ना ये वाला, तो हडिम्बा माता का ही कुछ होगा। तो फनी बात ये है, इसकी बीवी बोल रही है नहा लीजिए जाके, बिहार के थे, तो हस्बैंड बोल रहा है उधर लिखा है कि तालाब में जाना मना है और तुम कह रही हो नहा लीजिए, और पीछे से मैं और लेडी को कर रहा हूँ सलूट भाई, पढ़ने के बाद भी नहा लीजिए। मैडम ने चेरियाँ खरीद ली, हमने चेरी खाने जा रही है, बताएगी मीठी है कि कैसी है, मीठी है ग्रेट। चलो भाई चेरी खरीदी, चेरी खाते हैं। नाक देखो यार इनका ना, ये गलत चीज़ लगती है मेरे को, कैसे बांध रखा है फोटो तो खींचो। हेलो भाई साहब पूछ रहे थे मतलब ब्रदर की डस्टबिन कहाँ है, तो यहाँ का बंदा बोलता है फेंक दो पीछे, मतलब कितनी गलत चीज़ है ना, यहाँ के बंदे ही बोले जा रहे हैं कि गंदगी फैलाने के लिए। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं सर डस्टबिन वगैरह वहीं फेंकना, तो मैंने उससे बहस भी करी, मैं कहा तुम तो यहीं के हो यार, तुम तो ये सब मत बोलो, लोकल ही हो, मतलब हद है मतलब ना। तो भाई ये कटोच कच स्थल है, और लोगों ने यहाँ पे ना मत घर चढ़ाए हैं, बूटर चढ़ाए हुए हैं, ताकि ना जिनके बन जाते हैं, हमने पूछा है फिर वो क्या करते हैं यहाँ के आपके अपने होटल और गत्ते को उसी तरीके के बना बना के चढ़ाए हुए हैं, तो मे बी रक्षा के लिए, मे बी मनोकामना पूरी होने के लिए। लो जी वी आर हेयर एट मॉल रोड, सर्दियों में आए थे अब गर्मियों में भी देख लो, ये देखो तो आप कुछ खाने का ढूंढते हैं, हम लास्ट टाइम जहाँ आए थे कोशिश करते हैं वहीं जाते हैं। ये देखो जी मोमो लवर, मुंह घुमा लिया अब है ना, ये देखो मैं दिखा दूंगा इसको, ये देखो जी मोमो लवर,
इधर मोमोज ही खाना है बस इसने। तो वी आर एट साबा, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा स्ट्रीट फूड एवरीथिंग इज अवेलेबल, ये देखिए। और अच्छा है बनाया हुआ काफ़ी, तो अपा ने पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड मंगा ली। ये कह रही है इससे खाया नहीं जाएगा, तो ये मेरे साथ यह शेयरिंग करेंगे। अपना गार्लिक ब्रेड, अपना पिज़्ज़ा और बर्गर सब खाते हैं। तो भाई गार्लिक ब्रेड, पिज़्ज़ा और बर्गर सब कुछ ही बहुत अच्छा था। अपा यहाँ से निकल रहे हैं अब, है ना, काफ़ी के फटाफट, और आपको मनाली वाला हाईवे भी दिखाएंगे हम आगे। सो भाई अपा जा रहे हैं वापस, दिस इज़ रामबाग चौक, और अपा यहाँ से वापस जा रहे हैं अब गाड़ी की तरफ। ये देखो जी, इतना सब कुछ खाने के बाद बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज और क्या था, है गार्लिक ब्रेड। मैंने गार्लिक ब्रेड नहीं, सब मैं गार्लिक ब्रेड खाती नहीं हूं। नहीं नहीं खाती है, सब खाती है। ये बस कैमरे पे झूठ बोलती है कि मैं कुछ नहीं खाती। ये दुर्गा माता का मंदिर है मॉल रोड पे। भाई अपा हाईवे पे चढ़ गए, नाउ वी आर हेडिंग बैक आफ्टर 7 डेज घर पे। तो हाईवे पे डल गए, गाड़ी का थोड़ा सा काम कराना है, वो रास्ते में कराते हुए चलेंगे। बस बटन लगवाने हैं कुछ ना, इंजन कवर जो रहता है प्लास्टिक का उसके, वो करा के अपन निकलेंगे बस यहाँ से, है ना। और आपको टनल जो है रास्ता, अभी 4 बज रहे हैं जब हम मनाली से निकले हैं, तो मैं आपको रास्ता का अपडेट दे दूँगा इसमें कि कितने घंटे लगे चंडीगढ़ पहुँचने में, मोहाली में जाना एग्जैक्ट, और कौन सी टनल से रूट खोल दिए ना, वो सारा मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो जी गाड़ी का काम करा लिया और अपन चल दिए। कहता 150 रुपये 4 तार लगाई, मैं कहा हद है यार, मेरे को तार मिल जाती मैं लगा लेता। कह रहा 100 दे दो, मैं 50 रुपये दिए। मैंने कहा क्या, मैं कहा आप तो बाहर की गाड़ी देख के कुछ भी बोल रहे हो, 50 रुपये का काम नहीं है ज़रा। कह रहा हम बाड़ी बस, चलो हो गया बढ़िया। तो अब जाके पूरा देखते हैं, कवर ही पूरा लगवा लेंगे नया ना। चलो भाई दन्नो आई है, सब जगह लेके जाती है मेरे को, है ना, ये जाने मन है मेरी। चलो चलते हैं, आप रास्ते दिखाते हैं आप। भाई अपा पहली टनल के अंदर आ गए, जब आप मनाली से इस तरफ आते हो ना, हॉट जगह आती है, उसके बाद फिर ये टनल आती है जिसके आई गेस 23-24 किलोमीटर का डिस्टेंस लेस हो जाता है। मतलब ये पहले से चल रही है, मतलब ये नई टनल नहीं है, ये हम 1.5 साल पहले आए थे, तो ये टनल को हमने तब भी क्रॉस किया था जब मनाली आए थे। और भी टनल जाएंगी, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो सामने ऐसी लाइटिंग है कुछ टनल से, ऊपर जा रहे हैं ना, ये टनल के अंदर भी जा रहा है रास्ता, पीछे से टनल से निकला और हाईवे ऊपर, और फिर से पता नहीं, हम लोग तो इधर से नहीं गए, हमें नहीं लिख रखा था। आगे एक टनल आ रही है शायद, उसके अंदर जाना है, दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये देखो, दिस इज द सेकेंड टनल, ये देखो ये आ गई है, तो इधर से जा रहे हैं। जो ऊपर की थी ना, ये टनल नंबर 12 है, देखो तो पता नहीं कितनी टनल्स बनाई हैं, तो आपको दिखाते हैं पूरा। ये तो बड़ी सुंदर है यार, बहुत अच्छे इसमें ना फैंस भी लगे हुए हैं वेंटिलेशन के लिए ना, जैसे अल्टर टनल होगी और दूसरी होगी, अभी जो टनल आई थी उसमें सफोकेशन होती है, तो इस टनल में नहीं हो रही है। अभी 50 हो गई है स्पीड लिमिट, पहले 40 थी, 50 हो गई है। एग्जिट पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं अच्छे से, टेलीफोन वगैरह सिस्टम सब कुछ है, कि इमरजेंसी एग्जिट्स भी हैं, सब कुछ है, और काफ़ी अच्छी टनल लगी भाई अभी। और वेंटिलेशन वाला सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो फैंस लगे हुए हैं ना, वो देखो सामने ये वाले फ़ैन देखो, ये ऊपर देख रहे हो आप, इन फैंस की बात कर रहा हूँ, ये वाले वेंटिलेशन के लिए लगाए हुए और बहुत अच्छे हैं, और अच्छी वेंटिलेशन हो रही है भाई यहाँ पे। टनल से निकलते ही दूसरी टनल शुरू हो जाएगी, विच इज़ टनल नंबर 11। और ये बड़ा सही सिस्टम लगा, एक टनल से निकले थोड़ा सा आया और फिर दोबारा तुरंत फिर से टनल के अंदर घुस गए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है ना। चलो तो भाई ये देखो, इतने बड़े बड़े ये ट्रक से आ रहे हैं ना, इनकी वजह से सारी दिक्कत हो रही है भाई। ये बहुत बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं भाई, वो देखो वो ऊपर टकराएगा। अभी ऊपर टकराएगा, इसी वजह से जाम लगना है, लगेगा 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 लगेगा। देखो भाई सिस्टम बैठ गया तगड़ा, आप देखो कैसे निकालते हैं लोग। तो भाई वॉल्वो वाले ने हिम्मत मार के निकाली थी भाई, धीरे धीरे करके ना करी नहीं।
लो भाई हिम्मत मार के निकाल ली इसने ना, वॉल्वो वाले ने। बढ़िया भाई बढ़िया निकाल ली, मतलब है एक्सपीरियंस चाहिए यार बंदे, वो तो पूरा ट्रक लग रहा था भाई। हाँ यहाँ पे तो एक्सपीरियंसड बंदे चाहिए, वही निकाल सकते हैं यार। एक तो ना ये इतना दिमाग खराब होता है ना, ऐसे लोग जो बीच में आके ये गाड़ियाँ लगा देते हैं हरियाणा वाले, कभी पंजाब वाले ना, वो पूछो मत भाई यार। ये अभी हरियाणा वाली गाड़ी है, इसको बहुत जल्दी हो रही है भाई जाने की। ये देख लो भाई, एक सिर्फ ट्रक ज़्यादा आने की वजह से इस रोड पे कितना ट्रैफिक हो गया। एक बस चल रही है और ये सारे ट्रक्स वगैरह सारे फंस गए हैं भाई धीरे धीरे करके ना। ये देखो जी ओवरटेकिंग कर रहे हैं और सारा इन्होंने ही जाम लगा रखा भाई। ये देख लो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, देख रहे हो सारे, एक बंदे की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम लग जाता है भाई। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं भाई। मंत्री आ रहा है, पुलिस वाला भी उतर के गया, मंत्री जाएगा अब जाएगा जी, मंत्री सबसे पहले निकलेगा। देखो ये होता है, ये इंडिया है हमारा, ये नहीं कि ट्रैफिक निकला हो, नहीं मंत्री के लिए भाई कह रहा है कि वो जगह है नहीं, वो पुलिस वाला उसको बोला अंदर कर ले अंदर कर ले, पक्का किसी ना किसी मंत्री की गाड़ी में से निकल के आया होगा भाई। भाई साहब ऐसे ऐसे बुरे हाल है ना भाई, पूछो नहीं यार, बस दिमाग खराब है भाई। टनलों से निकल रहे थे इतने खुश थे और भाई जाम लगा दिया और होगी हालत खराब भाई। अब पूछो नहीं अब क्या होने वाला रास्ते में, होगी भाई। चलो देखते हैं, निकलते रहते हैं धीरे धीरे। हमारे पीछे ही आ रहा है, एम्बुलेंस आ रही है वो शायद से भी। एम्बुलेंस है तो निकाल देते हैं भाई। नहीं नहीं उसी ने मजा रखा था और ना। ये भाई उठा रहा, चेक किया है, एम्बुलेंस आ रही है हमारे पीछे। हाँ हाँ एम्बुलेंस आ रही है भाई, उसको चलो तो यार निकलवाते हैं। चलो 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 भाई एम्बुलेंस निकलवाते हैं पहले फटाफट। दिक्कत हो गई है बहुत ज्यादा, अब अपने पीछे एक एम्बुलेंस आ रही है, उनको निकलवाते हैं पहले हम फटाफट। आओ जी आप रास्ता क्लियर करवाएं फटाफट। लो जी ये जरूरी है सबसे ज्यादा ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, किसी की तबीयत खराब हो ना कभी भी, और सबसे ज्यादा जरूरी है पहले एम्बुलेंस को निकलवाओ यार, फिर फंसा दिया यार सिस्टम। बस की वजह से फंस गई है ना वो यार। एम्बुलेंस के पीछे फटाफट की कहीं दिक्कत हो तो उतर के करवा देंगे भाई एम्बुलेंस ना। अरे यार फिर अटक गया काम सिस्टम। ये देखो भाई इतनी खपने के बाद जय किसी भगवान जी की डोली जाती है। तो भाई अपन नेर चौक पहुंचने वाले हैं, तो हमने 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया, जो ठीक है भाई है ना, पहाड़ों का रास्ता भी और हाईवे भी है। अपन नेर चौक पहुंचने वाले हैं और क्या बोलते हैं टनल हमें एक टनल, वो दो ही टनल्स मिली, मतलब एक तो एडजॉइनिंग थी जिसमें निकलते ही तुरंत घुस जाते हैं, बाकी बन रही हैं भाई। रास्ता तो 5-5.5 या 6 घंटे का ही रह जाएगा अगर टनल्स बन जाएंगे ना, उससे कम नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है, हमें ट्रैफिक काफ़ी मिला, मंडी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था भाई, अभी मंडी क्रॉस करके हैं, अब चल रही है गाड़ी ठीक से ना। तो भाई एक और टनल आ गई है, ठीक है टनल नंबर 5 है, तो हमने वहाँ पे क्रॉस करी थी 12-11 और ये टनल नंबर 5 है, देखो कैसे उजाला हो गया अंदर आते ही, ओहो गजब है ना। तो ये टनल ख़त्म भी होगी भाई, छोटी सी थी देखो, आई गेस 1 किलोमीटर की टनल थी बस सारी, लो जी भाई एक और टनल आ गई है, टनल नंबर 4 है ना। तो भाई हाईवे कीरतपुर साहब वाला तो बहुत बढ़िया बना दिया भाई, बहुत मस्त, मतलब एकदम अल्टीमेट बना दिया है, मज़ा आया मतलब उस पर ना चल के, मज़ा आया एकदम। तो टनल के मजे लो आप लोग। तो भाई ये हाईवे तो बहुत मस्त बना दिया भाई, ये पहले तो इतना खड़खड़ खड़खड़ जाना पड़ता था भाई, इतनी टूटी हुई रोड थी ना, बहुत मस्त बना दिया। और टोल्स भाई सबसे बड़ी बात है, एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, टोल्स अभी चालू नहीं किए हैं है ना, टोल प्लाजा जितने हैं अभी मतलब बन गए हैं, फंक्शनल हैं पूरे, लेकिन अभी पैसे नहीं काट रहे हैं वो, आई गेस टनल्स हैं। और वहाँ पे हमने 12 टनल देखी थी, मतलब टनल नंबर 12 थी जब हमने वहाँ से शुरू किया था, तो आई गेस मतलब मेरे ख्याल से 12 टनल्स बनेंगी इस रास्ते में ना, तो इस पे 4 आया था जब हम यहाँ पहुँचे। तो भाई दिस इज टनल नंबर 3, इसमें कोई लाइट नहीं है अभी, अभी जाने में नहीं दे रहे हैं ज़्यादा लोगों को ना, सिर्फ गाड़ियाँ अलाउ कर रहे हैं, बड़ी जो गाड़ियाँ जैसे टेम्पो ट्रैवलर हो गया, बस हो गई, ये सबको नहीं अलाउ कर रहे हैं अभी ना, तो हमें तो जाने दे दिया उन्होंने, बाकियों को नहीं अलाउ कर रहे हैं, मतलब उनको कह रहे थे ऊपर से घूम के आओ, ऊपर से घूम के कोई रास्ता होगा भाई। तो इस टनल में कुछ नहीं है, लाइटिंग नहीं है अभी, फैंस नहीं है, नहीं लाइट्स लग तो रखी हैं, पर ये छोटी सी टनल थी भाई, कोई 500-600 मीटर की ना, तो ये है भाई ये टनल नंबर 3 थी, अभी 2 और आएंगे। तो भाई जब टनल नंबर 3 क्रॉस करोगे ना, तो
ये जाम लग गया है यहाँ पे, अब रोड शायद बन रही है, पता नहीं कुछ लोग राइट से जा रहे हैं कुछ लेफ्ट से जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा भाई। वो देख वो पता नहीं कहाँ घुस गए हैं भाई, वहाँ पे थार वगैरह लगी हुई है तो ये जाम लगा, देखते हैं अभी इसको क्रॉसिंग करते हैं। कितने मिनट का जाम है? कुछ नहीं दिखा रहा अभी इसमें, कुछ नहीं कर रहा वो रिसेंट। अच्छा चलो देखते हैं। लो जी दिस इज टनल नंबर 2 और भाई पीछे बहुत गंदा जाम लग रखा था, अभी रोड वहाँ से बन रही है ना कुछ एक साइड की, तो उस चक्कर में तो यहाँ पे कैमराज वगैरह सब कुछ लगे हुए। ये वॉकिंग है पूरी 60 किलोमीटर पर इसकी लिमिट है इस टनल की ना, तो चलो चलते हैं। वन लास्ट टनल साइड वाली बन रही है अभी है ना, तो एक ही वॉकिंग रखी है अभी ताकि दोनों आना जाना हो सके इसमें से है ना, तो साइड वाली अभी वॉकिंग बन रही है। तो दिस इज़ द लास्ट टनल भाई, टनल नंबर 1। और हमने 4 ये टनल्स और 3 टनल्स वहाँ क्रॉस करी थी, ठीक है, तो 7 टनल्स अभी हमने क्रॉस करी 14 में से, 14 टनल्स थी टोटल में। तो भाई हाईवे बहुत अच्छा बना दिया ना, तो बन जाएगा तो जब बहुत टाइम कम लगेगा, अभी भी बढ़िया गाड़ी 80-100 पे भागती है भाई यहाँ पे ना, अच्छा है। पर रात में थोड़ा सा ध्यान से आएँ क्योंकि बीच में क्या रहता है कि गैया वगैरह आ जाती हैं, अभी बहुत सारी काली भैंसें आ गई थी तो हमें तो दिख गई थी, कई बार भाग दी होती है ना गाड़ी पता नहीं लगता, तो वो थोड़ा सा ध्यान से चले। और ये धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए इंडिकेटर्स भाई ऑन कर रखे हैं मैंने, तो चलो। तो लो जी अपा मनाली वाले जो पुराना वाला कीरतपुर साहब वाला हाईवे था उस पर आ गए हैं वापस से है ना, तो वो जो ऊपर का रास्ता था पूरा वो शॉर्ट हो गया काफ़ी है ना, तो कीरतपुर साहब पहुँच गए तो अब तो बहुत नज़दीक हो गया घर अपना, ठीक है, तो बन जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा भाई, बहुत ना सही है मतलब। अभी पहुँचते हैं कहीं खाना भी खाना भाई, देख के ना बढ़िया सी जगह पे देखते हैं कहीं खाना खाते हैं भाई, भूख भी लग रही है, तो चलो मिलते हैं आगे। तो भाई हमने को रास्ते में 2 टोल जैसे मिले थे उस रास्ते पे जो वर्किंग नहीं थे अभी चालू नहीं किए, तो ये भी ये पहला, अगर आप मनाली की तरफ जाओगे तो कीरतपुर साहब वाले हाईवे पे पहला टोल ये आएगा, तो ये भी वर्किंग नहीं है अभी है ना, तो कर देंगे जल्दी वर्किंग, जैसी वो टनल्स वगैरह खुल जाएंगी फिर सारा कुछ वर्किंग कर देंगे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा शेयर करना था आप लोगों से। कोई तो भाई अब पहुंच गए हैं शेरे पंजाब ढाबे पे, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, मैं ब्लॉग एंड करने वाला हूँ भाई, मेरी होगी हालत ख़राब गाड़ी चलाते चलाते, 7 दिन हो गए भाई गाड़ी चला रहा हूँ मैं है ना। और अभी हम शेरे पंजाब ढाबे पे हैं, दाल और रोटी खा रहे हैं, अब भाई फुल घर के खाने टाइप आ जाएंगे हम, हो गया बाहर का जितना होना था। तो भाई रास्ता बहुत अच्छा है, थोड़ा टाइम लगेगा और बनने में, रात के लिए बढ़िया है, थोड़ा सा मतलब दिक्कत रहती है क्योंकि सुनसान है, ठीक है, और दिन के लिए बहुत सही है, बहुत बेस्ट है। टनल्स बन गई हैं, 7 टनल खुली हैं, बाकी 7 अभी बाकी हैं जो बनेगी। टोल्स 3 टोल आए थे, ठीक है, मनाली में कटा और 3 टोल, और 3 टोलों में से जो टोल्स रास्ते में आए तीनों टोल बंद थे, अभी चालू नहीं किया क्योंकि आपकी जो टनल्स हैं वो चालू नहीं है, शायद रास्ता पूरा चालू नहीं इसलिए उन्होंने, पर मतलब पूरी फंक्शनल कर दी है, मतलब कि जिस दिन से चालू कर देंगे सीधा टोल कटना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ सेटअप वेटअप करना, सब कुछ कर रखा है वहाँ पर, सब कुछ लगा रखा है, तो ये है। बाकी दाल ऑर्डर करी है और बस खा के यहाँ से निकलेंगे घर के लिए, हम रोपड़ के पास हैं अभी रूपनगर, तो हमें घर पर पहुँचने में लगेगा कुछ 45 मिनट्स यहाँ से, तो खाना खाते हैं भाई फिर यहाँ से निकलते हैं भाई हम लोग, ठीक है। तो भाई लोग आप जस्ट अभी घर पे पहुँच गए हैं और हम आधा घंटा रुके भी थे खाना खाने के लिए और 11 बजे पहुँच गए, तो 4 बजे चले थे 11 बजे पहुँच गए हैं, और अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं भाई, तो अभी बस सोने की तैयारी, चेंज कर ली मैंने कपड़े और बस सोने लग रहे हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पर, आती है ऑन किया तो सोते हैं भाई। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है ना, और जल्दी ऐसे ब्लॉग्स और लेके आऊँगा है ना, मिलते रहेंगे हम दोबारा इन ब्लॉग्स में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ द वंडरिंग योद्धा है ना, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड दोबारा मिलते हैं, सी यू।